हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन, रचनास किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही चटपटी और यमी रेसिपी है और जिसका नाम है चिली चना। आइए देखिए कैसे बनाएंगे यमी चिली चना। चिली चने के लिए मैंने काबुली चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर इसे बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट बॉईल कर लिया था। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और पूरा तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे चनों में कॉर्नफ्लावर अच्छे से लग जाए और उसे अच्छा से टैप करेंगे। मीनवाइल मैंने तेल गरम करने रख दिया था गैस पे। अब तेल अच्छे से गरम हो गया है और अब मैं ये जो चने हमने कोट किए थे कॉर्नफ्लावर से उसको तलूंगी और ओकेजनली हम उसको स्टर भी करेंगे। ये तब तक तलेंगे जब तक गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी तेल से। चने बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने रखा है। फिर इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, 50 ग्राम जितना चॉप जिंजर यानी कि अदरक और 1 बारीक कटी हुई प्याज चॉप्ड अनियन डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टर करेंगे। प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब इसमें मैं 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच जितना रेड चिली सॉस और 1 ही चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, ये सब हम डालेंगे। 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच जितना मैंने लिया है टमाटो केचप। ये सारे सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सॉसेज में मैं अपनी चॉइस की वेजीज ऐड करूँगी, जैसे कि रेड, येलो और ग्रीन बेल पेपर आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मोटा मोटा कटे हुए अनियन भी आप ले सकते हैं और इन सभी वेजीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा सॉस रेडी है। आइए अब इसमें जो हमने चने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको कोट करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चिली चना रेडी हैं। आई होप आप चिली चना ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर पे। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।